Huge round of applause, Mr. Ravi Gupta. आपको अपने पिता का नाम, अपने शहर का नाम, अपने SDM का नाम थोड़े कॉमिक अंदाज में बताना है। आपको अपनी ज़िंदगी में आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा, बहुत दर दर की ठोकरें खाई होंगी, उसको आप अगर कॉमिक अंदाज में थोड़ा प्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? या बिहार में जैसे इस समय बहुत भीषण बाढ़ आई हुई है, अगर उसको रवि गुप्ता अपने अंदाज में प्रेजेंट करते कॉमिक अंदाज में, तो वो कैसा होता? क्या है मतलब ये, अगर मान लो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है, तुम्हारे दोनों पैर टूट जाते हैं और एक सामने वाला बंदा देखिए इसका पैर टूटा हुआ, पर मैं चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ कॉमिक अंदाज में बताइए कि इसको हॉस्पिटल कैसे ले जा रहे हैं, कैसा लगेगा? हर चीज़ कॉमिक अंदाज में नहीं हो सकती। मैं बनारस में पान वाले के पास गया और मैंने बोला भैया एक पान लगा दो। उसने बोला कौन सा पान लगाएं? मैंने बोला मीठा पान लगा दो। उसने बोला कितना मीठा? मैंने बोला फुल मीठा कर दो। तो बोला रसगुल्ला डालने के इसमें। तो ये था, ये एक पार्ट है, मतलब ये बनारस में ही है, कहीं पान लेने गया था और इस तरह का इंसिडेंट हुआ। बनारस कंटेंट की जगह है, यहाँ कुछ ना कुछ कंटेंट। अभी कल ही मैं देख रहा था, कहीं भी लिखा था कि मंदिर के बाहर लिखा था भगवान दे दो हचक के। ये क्या है यार, कंटेंट है ये, कुछ नहीं है। तो यहाँ निकल ही जाएगा अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल गुप्ता और आप देख रहे हैं ऑडियंस फोरम। शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। हमारे साथ है कॉमेडियन रवि गुप्ता। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपके लिए ये है कि हमारे समाज में कॉमेडियन शब्द और नौटंकी शब्द, इसको एज ए स्लैंग यूज़ किया जाता है, तो क्या ये शब्द आपके लिए कभी स्लैंग के रूप में इस्तेमाल किया गया है? और अगर किया गया है तो आपको कैसा महसूस हुआ है, इसके बारे में आप कुछ कहिए। देखिए मैं फिर, क्योंकि ये हम अभी तक हमारा समाज इस हिसाब से ये सोच बना नहीं पाया है कि कला जैसी चीज़ें बहुत गंभीर विषय हैं। हम अभी भी जो डांस करते हैं, जो एक्टर हैं, उनको भांड बोलते हैं, मजाक मजाक में ये तो भांड है, ये है। पर वो उसने कितनी एफर्ट लगाया अपनी चीज़ों को मेंटेन करने में, अपने आर्ट को वहाँ तक पहुँचाने में, वो चीज़ से निखर के वहाँ तक निखर के, हाँ, क्योंकि वो चीज़ है। तो इसका हम कुछ कर नहीं सकते, मतलब हम थोड़ा सा हर्ट हो सकते हैं कि यार ये क्या बोल रहा है। बट अगर तुम सही से देखो तो भांड, नौटंकी, नाच, ये सब आर्ट का ही एक फॉर्म है। ये तुम्हारी सोच है जो तुम इसे निचले स्तर पर देख रहे हो, हालांकि तुम खुद जाके इन्हें एंटरटेन होते हो इनसे, और उसके बाद तुम गालियां दे रहे हो, तो वो चीज़ है। तो बुरा तो नहीं लगता क्योंकि ये समाज का एक पार्ट है। जैसे किसी फिल्म का विरोध करना हो तो सब बोलते हैं कि ये नचनिया है, ये डांस है, और बाद में उसी के पीछे सेल्फी ले के लिए भागते रहते हो तुम। तो पहले तो तुम खुद क्लियर हो जाओ कि तुम्हें उनके डिसरेस्पेक्ट करना है पहले, या तो या उनका फ़ैन बन के पहले उनके साथ फ़ोटो खींच, पहले तुम खुद क्लियर हो जाओ उसके बाद ये। और तुम्हारी सबसे पहली बात तो इतनी क्षमता नहीं कि तुम उसे जज कर पाओ कि ये कौन है क्या है, उसका लेवल बहुत ऊपर है, तो ये चीज़ है। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी रही है, आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ ऐसा मैं कह सकता। फैमिली बैकग्राउंड मेरा नॉर्मल सा है, उसमें मम्मी पापा भाई बहन हैं, हम लोग पांच भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं, दादी हैं, और पहले हम प्रतापगढ़ में रहते थे, अब सब हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। मिठाई की दुकान थी पहले गांव में, वो सब अब ख़त्म करके यहाँ पे आ गए हैं। और बस फैमिली बैकग्राउंड यही कि सब सपोर्टिव है मेरे काम को लेके, सो कभी मुझे घर पे डंडा नहीं किया गया कि यार ये क्या कर रहे हो, ये तुमने पढ़ाई लिखाई करके ये सब करने के लिए किया है, तो वैसा कुछ दिक्कत नहीं हुई। घर पे सब सपोर्टिव हैं काफ़ी, ये चीज़ है। तो जब आपने कॉमेडी को एज अ प्रोफेशन ऑप्ट किया तो आपके फैमिली का क्या सबसे पहला रिएक्शन था? उनका यही रिएक्शन था कि यार ये कर ले कुछ भी बस, मतलब कम से कम बर्बादी की तरफ तो नहीं जा रहा, जैसे कि कुछ और तो नहीं कर रहा, मतलब देर लाइक काफ़ी सपोर्टिव रहे हमेशा ही। उन्होंने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हारी तो ठीक ठाक जॉब थी, सही चल रहा था, मान लो चली गई तो दूसरी जॉब क्यों नहीं ढूंढ रहे, ये नया चीज़ क्या करने लग रहे हो। वो हमेशा, वो शायद उनको मेरी चीज़ों पे यकीन रहा है, या वो, मैं इस चीज़ में काफ़ी लकी रहा हूँ कि मुझे कभी प्रेशर नहीं किया गया, ना पढ़ाई लिखाई के लिए, ना कुछ भी, कि तुम इतने कम नंबर क्यों ला रहे हो, सब चीज़ें सपोर्टिव ही थे, तब भी सपोर्टिव थे, अब भी सपोर्टिव ही हैं। आपके लाइफ में तीन शहर बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं, बनारस, प्रतापगढ़ और दिल्ली। इन तीनों शहरों से आपका कैसा लगाव रहा है? प्रतापगढ़ तो मैं पैदा ही वहीं हुआ हूँ, तो मतलब वहाँ लगाव तो जो है सारी चीज़ें वहीं हैं। और उसके बाद फिर बनारस, बनारस से मेरा काफ़ी कनेक्शन इसलिए है कि वो बहुत, बनारस एक उम्दा शहर है, मुझे लगता है कि बनारस में जो भी जाएगा उसका कनेक्शन हो जाएगा। चार लोग के लिए आते हैं, चार दिन के लिए लोग आते हैं और वहीं के रह जाते हैं, मैं तो 4 साल बिता चुका हूँ यहाँ पे,
और तो बनारस मेरे लिए तो है, मतलब इश्क है बनारस। मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं बनारस आ जाता हूँ, और दिल्ली मेरी अभी कर्म भूमि है, मैं वहीं पे रह के शोज़ और वह सारी चीज़ें वहीं रहता हूँ वर्तमान में, और सारी चीज़ें वहीं देख रहा हूँ। सो दिल्ली भी है। फेवरेट फूड बताइए। पनीर का कुछ भी, मतलब ऐसा मोमोज बहुत पसंद है मुझे, और जो भी खाना जो हेल्दी ना हो खिला दो मुझे, मैं बहुत प्यार से खा लूँगा। हेल्दी खाना टेस्टी नहीं होता। फेवरेट कलर? कलर तो मतलब ब्लैक ब्लू ये सब। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी तो यार बहुत सारी हैं, मतलब अभी एक रंग दे बसंती है, तारे ज़मीन पर है, अभी तुम बाट आई थी वो फेवरेट हो गई, और बाहर की भी हैं अच्छे अच्छे हैं, हॉलीवुड की बहुत सारी हैं, मतलब ऐसे एक नहीं बता सकते, बहुत सारी हैं यार, बहुत सारी चीज़ें। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर में नवाजुद्दीन हैं, विनीत सिंह हैं जो मुक्काबाज में थे, और बहुत सारे एक्टर हैं यार जो हम देख नहीं पाए, मतलब जिनको हम अंडर अप्रिशिएट करते हैं। लाइक अभी जो मेरे रीसेंट फेवरेट हैं, एक वेब सीरीज़ आई थी मेड इन हेवन, सो उसमें सुशांत नाम है उनका शायद, सो ही इज़ वाई लाइक रिसेंटली फेवरेट एक्टर हैं। और ये हैं यार, और एक्टर बहुत सारे हैं, मैं भूल जाऊँगा शायद नाम पर, हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं, नॉट हीरो, मतलब हीरो तो फिर अलग हैं, पर वो जो एक्टर हैं पक्का मज़ेदार वो हैं। फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस में भी ऐसे ही हैं लोग, रसिका दुग्गल हैं, लाइक मैं काफ़ी टाइम से उनको देखता हूँ और काफ़ी अच्छा काम है, और भी बहुत सारी हैं इस तरह से जो एक्ट्रेस हैं। फेवरेट कॉमेडियन? फेवरेट कॉमेडियन में तो बहुत सारे हैं यार, मतलब हिंदुस्तान के हैं, बाहर के भी हैं, लाइक इंडिया में जाकिर खान हो गए, इंडिया में संदीप शर्मा हो गए, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिस्वा हो गए, गौरव कपूर हो गए, काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, और एक पाकिस्तान के पुराने कॉमेडियन थे मोइन अख्तर, ही इज़ लाइक मेरे बहुत फेवरेट हैं, तो ये लोग। फेवरेट स्पोर्ट? क्या सवाल पूछ लिया यार ये, खेल तो कंचा तक तो मैं खेला नहीं ज़्यादा अच्छे से। फेवरेट स्पोर्ट वगैरह कुछ नहीं, मैं देखता भी नहीं हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब हाँ ये थोड़ा सा जो देख रहे हैं उनको लगेगा कि क्या बोरिंग आदमी है किसी स्पोर्ट में, नहीं नहीं खाली मैच देखता हूँ कभी कभी क्रिकेट, वो भी इंडिया पाकिस्तान का जब हो रहा होता है, क्योंकि बस बना होता है तो पीयर प्रेशर देख लेता हूँ मैं। स्पोर्ट तो कुछ नहीं, बस सुबह सुबह जॉगिंग करता हूँ मैं, ये चीज़ है, सुबह जॉगिंग करता हूँ वो भी वेट कम करने के लिए, तो अच्छा तो वो भी नहीं लगता जब कर रहा होता हूँ, बट हाँ वेट कम होता तो फिर अच्छा लगता है। नेम ऑफ अ फेवरेट प्लेस वेयर यू वांट टू विजिट? यार अभी मैंने चीज़ें तो कुछ दिन पहले ही मैंने घूमना शुरू किया है, सो चीज़ें दिमाग में मैं ऐसा कुछ वो नहीं बहुत, अभी लद्दाख जाना है, और अभी कुछ दिन पहले नैनीताल तो मैं 3-4 बार हुआ है, वहाँ की कुछ हिडन प्लेसेस थे वहाँ पे घूमा, तो इस तरह की मतलब कोई पर्टिकुलर जगह नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान अच्छे से देखना चाहता हूँ, स्पेशली पहाड़ वाले जो एरिया हैं, जो ठंडी जगह हैं वो सब, तो वो है। आपको क्या लगता है एक कॉमेडियन को न्यूज़पेपर ये सब पढ़ना कितना ज़रूरी होना चाहिए, न्यूज़पेपर और किताबें कितना ज़रूरी होना चाहिए एक कॉमेडियन को पढ़ना? देखो ये कॉमेडियन जो शब्द है ये सब्जेक्टिव, मतलब ये एक कॉमेडियन कोई भी व्यक्ति फनी हो सकता है, ठीक है, बिना न्यूज़ पढ़े भी, बिना चीज़ों को जाने भी, पर अगर आप लोग आप चीज़ों को जान रहे हैं, सब चीज़ों को जान रहे हैं, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, पर मुझे लगता नहीं फ़नी होने के लिए आपको कुछ अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता नहीं। आप अगर हैं फ़नी, अपने दोस्तों के बीच फ़नी है, कहीं पर भी फ़नी है, और बिना किसी सोशल बातचीत के भी है, बहुत लोकल बातें कर रहे हैं, आप ऐसी बातें जिसमें कहीं पर भी न्यूज़पेपर उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं है, सो मुझे लगता नहीं कि वो कुछ कोई नियम नहीं है ना कि कितना ज़रूरी कितना नहीं। अगर आप उस तरह की कॉमेडी करते हैं तो बिल्कुल ज़रूरी है, पॉलिटिकल कॉमेडी करते हैं, आप देश के हालात पे कॉमेडी करते हैं, तो डेफिनेटली आपका ज़रूरी है पेपर और इस तरह की चीज़ों से अवेयर रहना। इंडिया में आप कॉमेडी की स्थिति देख रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? बहुत बढ़िया स्थिति है, बहुत ही अच्छी स्थिति है, अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं कॉमेडियन हैं जो अपने दम पे बहुत आगे बढ़े हैं, तो डेफिनेटली इंडिया में कॉमेडी की स्थिति बहुत अच्छी है मुझे लगता है, और बेहतर होगी, और बेहतर होनी चाहिए और बेहतर होगी मुझे लगता है। तो ये चीज़ है कि अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का सोच रहे हैं और आपके अंदर काबिलियत है तो आपका भविष्य बुरा नहीं है। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक रवि गुप्ता को एज अ कॉमेडियन शेप दे रही हैं, रवि गुप्ता को एज अ कॉमेडियन निखार रही हैं, क्या चीज़ें हैं वो? मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हम अपने आप में फ़नी हैं, हमें एक तो स्टैंड अप कॉमेडियन भी क्या होता है, स्टैंड अप कॉमेडियन कभी भी कुछ अपनी चीज़ें बनाते हैं वो हमेशा सामाजिक हालातों पर ही बातें करते हैं,
और हिंदुस्तान जैसे देश जहाँ पे स्पेशली बनारस, वहाँ कंटेंट की कमी नहीं है, वहाँ हर दो मिनट पे तुम्हें कुछ ऐसी कन्वर्सेशंस मिल जाएगी जहाँ पे कुछ ना कुछ फनी हो रहा है। जैसे मैं आ रहा था ऑटो से और वहाँ पे लंका अकेले बोल के 8 लोग को बिठा लिया वो। सो ये है, मतलब ये चीज़ें चल रही हैं। आप रवि गुप्ता की फ़नी कोई जगह बना रही है, ऐसी हर कमेडियन को ये कहीं ना कहीं उसका अलग अलग सोर्स हो सकता है, पर ये देश ही फनी है मुझे लगता है। यहाँ पे हर दिन न्यूज़ भी देखो आप, कुछ भी न्यूज़ आ रही है, मेढकों की शादी करवा दे रहे हैं बारिश होने के लिए। तुम कॉमेडी मत करो, तुम न्यूज़ देख लो खाली। तो ये चीज़ें चल रही हैं। बाबा है नित्यानंद है, वो बोल रहे कि मैं जब बोलता हूँ तब सूरज निकलता है। मैंने बोला सूरज नहीं निकलेगा तो लेट निकला, और लोग फॉरनर्स तालियां बजा रहे हैं उसके ऊपर, लोग पागल हो जा रहे हैं। वो पढ़े लिखे एकदम ढंग के लोग जिन्हें हमको लगता है कि एक समझदार आदमी होगा, उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। सो ये सब माहौल ही है फनी। अब हम इसे इंस्पायर होते हैं और हम कंटेंट में डाल देते हैं, हम जस की तस बातें बताते हैं, लोग पैसे दे के आ रहे हैं, हंस रहे हैं। पर तुम सिर्फ न्यूज़ देख लो खाली, न्यूज़ कि यहाँ पे हुआ बवाल और वहाँ पे हुआ, ये घाघरा कितने नीचे जाएगा, इस तरह की न्यूज़ें चल रही हैं, क्या ही बताओगे तुम। फनी है, सब कुछ है फनी। बड़े शहरों के लिए ओपन माइक्स है, छोटे शहरों के लोग जो इस कॉमेडी को स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए क्या आप राय देना चाहेंगे? उनके लिए तो ओपन माइक, देखिए बड़े शहरों में भी ओपन माइक जब पहली बार हुआ तो किसी ने तो बनाया ही होगा ना। तो छोटे शहरों में छोटे बार होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी। वहाँ आप जाओ, वहाँ के ओनर से बातें करो कि भाई हम जो है एक आपके लिए शो करना चाहते हैं, हमको पैसे नहीं चाहिए, हमको ये सब चीज़ें। हर जगह पर चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप लाचार खुद को फील ना करें। अगर आपके अंदर कीड़ा है, आपको करना है स्टैंड अप, सो आपको कहीं पे भी मौका मिले आप करना शुरू हो जाओ। जाके उनसे बातें करो कि भाई हमको पैसे नहीं चाहिए, हमको सिर्फ आपका एक घंटा चाहिए, हम आप खाना पीना परोसना, हम यहाँ के माइक के साथ में परफॉर्म करेंगे, ऐसे भी करके परफॉर्म करेंगे। छोटे छोटे शहरों में भी ओपन माइक लोगों ने ऐसे ही शुरू किया। तो वो जो लोग शिकायत करते हैं कि भाई मैं दिल्ली नहीं रहता, मुंबई नहीं रहता, तुम अपने एरिया में खुद शुरू करो, करो ये हो जाएगा। अब बनारस में तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, बनारस में बहुत सारे पब्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पे बहुत ओपन माइक हो सकते हैं। मैं सरप्राइज हूँ कि यहाँ हो क्यों नहीं रहे, होने चाहिए, इतने आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, अलग अलग कलेवर के आर्टिस्ट हैं, तो होना चाहिए ओपन माइक्स बहुत सारे। तो अब कुछ लाइट क्वेश्चंस हो जाए। रवि गुप्ता कब में टिकटॉक पर दिख रहे हैं? टिकटॉक पे यार, टिकटॉक एक तो सुनते ही मतलब माथा ख़राब हो जाता है, क्योंकि ऐसे नाचते गाते रोते चेहरे आते हैं उस पर इतने ज़्यादा। पर कुछ लोग फ़नी कंटेंट भी बना रहे हैं, मेरा टिकटॉक पे था अकाउंट, मैंने बनाया था, कुछ फॉलोअर्स भी बढ़ गए थे, मैं थोड़े छोटे छोटे जोक्स डालता था उसमें, पर मैं पासवर्ड ही भूल गया हूँ अभी टिकटॉक का। तो रवि गुप्ता ऑफिशियल के नाम से है, पर मैं खुद पासवर्ड भूल गया हूँ, तो मैं खुद ही लॉगिन नहीं कर पाया, मेरा इंटरेस्ट भी खत्म हो गया है टिकटॉक भी। कहा बढ़िया है, मतलब क्या ही करें, उस पर समझ नहीं आता, स्टैंड अप ही करना है, ये चीज़ें हैं। आपके एक फैन ने पूछा कि भाई व्हाई यू वेयर अ वाइट बनियान अंडर एन ओपन शर्ट एवरी टाइम, इस पर क्या राय है? नहीं, एवरी टाइम उसने कितना ही देख लिया होगा मुझे, एक ही वीडियो है कि शो की, उसके चार वीडियोस अलग अलग हैं, तो उसको लग रहा होगा ऐसा कुछ नहीं, मैं अंडर वाइट बनियान नहीं, ब्लैक भी पहन लेता हूँ, और उसका कोई रीज़न नहीं। मतलब ये तो एक ऐसा सवाल हो गया कि आप चेकदार शर्ट क्यों पहनते, तो लाइक ये है कि सिंपल है कि उसमें मुझे लगता है मोटा कम लगता हूँ मैं, तो इसलिए। आपने स्टैंड अप कॉमेडी को एज अ प्रोफेशन चूज़ किया है, आप कितना सिक्योर फील करते हैं इसके लिए? अरे फटी रहती है भाई, कुछ सिक्योर फील नहीं करता। मतलब ये है कि ये तो एक देखो, हर एक जब आप पैशन चुनते हैं तो उसके साथ में कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं। आपके पास एक सेफ जॉब नहीं होती, आपको हर महीने पैसे नहीं आएंगे अकाउंट में, कभी कभी बहुत अच्छे शोज मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं मिलते, बट ये एक जरिया है उसका। मैं ज़िंदा फील करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें, ये आप वो सब करते करते आदी हो जाते हैं, फिर वो चीज़ें मेंटेन कर लेते हैं आप, पर मेन चीज़ ये है कि आप कुछ और हैं और कुछ और हो के जी रहे हो, वो ज़्यादा ख़तरनाक है इनसिक्योर होने से, तो उतना मैटर बड़ा नहीं है, चल जाता है काम। गुड़गांव में एक इंसिडेंट हुआ था आपके साथ, जय श्री राम वाला इंसिडेंट, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ था, मतलब वो था कि वो जो बोल रहा था एक लड़का, और उसको लोग हड़काने आ गए, तो मैं होश था, मैंने संभालने की कोशिश की, तो उसने बोला कि भाई जय श्री राम बोलो उतरो, तो मैंने बोल दिया, फिर जैसे बोलने में कोई दिक्कत नहीं, बट ये नॉनसेंस चीज़ें थी, मतलब वो कोई मतलब नहीं इस तरह की चीज़ों का, जिस तरह का आज देश में माहौल है वो भी बहुत नॉनसेंस। अभी मैंने एक वीडियो देखा, छोटे से बच्चे का हाथ पैर बांध के उसको जय श्री राम बुलवा रहे थे। जय श्री राम एक ऐसा नाम है, एक ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे अंदर सॉफ्ट फीलिंग लाएगी, सौम्यता लाएगा, ये सब चीज़ें, कभी हेट वो बन जाएगा, ये तो फिर वो हो गया, मारो काटो पीटो जय श्री राम,
ये जय श्री राम कभी नहीं हो सकता। मैं तो इस कल्चर के तो बहुत खिलाफ हूँ। आज के समाज में कॉमेडी को आप देख ही रहे हैं और मीडिया की स्थिति भी आप जान ही रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कॉमेडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इस समय बोझ आ गया है? क्या कॉमेडी के साथ कुछ मैसेज भी, कुछ सटायर टाइप भी होना ज़रूरी है? इस पर आपकी क्या राय है? देखो, मेरा यही कहना है कि कॉमेडी बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, कोई ज़रूरी नहीं। कॉमेडी में मेन कॉमेडी होनी चाहिए, तुम्हें हंसी आ रही है, सामने वाले को हंसी आ रही है। अगर तुम ज्ञान भी देना चाहते हो तो फिर वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर और लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडियंस हैं, बहुत जैसे वरुण ग्रोवर हैं और ये लोग हैं, ये बहुत अच्छा एक, मुझे लगता है कि इस वक्त जो कॉमेडियन है देश का, जो इस तरह की कॉमेडी फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पॉलिटिशियन से ज़्यादा सेंसिबल बातें कर रहे हैं और वो ज़्यादा वैलिड बातें बता पा रहे हैं। पॉलिटिशियन ज़्यादा कॉमेडी हल्की बातें कर रहे हैं। बाकी अगर रही कॉमेडी के आर्ट फॉर्म की बात, तो ये सब्जेक्टिव है। मेन चीज़ है कि फ़नी होना चाहिए। ये अपने अपना है कि अगर मैं पॉलिटिकल करना चाहता हूँ तो मैं पॉलिटिकल कर रहा हूँ, वो सब चीज़, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कलाकार को सचेत रहना चाहिए, उसे अवेयर रहना चाहिए चीज़ों से, मतलब कि उसे ये पता होना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही। बाकी तो बस ये चीज़ है। आपने यहाँ BHU से फाइन आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है, इसको आप एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन से कैसे जोड़ कर देखते हैं? यार, ये तो कला का एक फॉर्म ही है, ठीक है, ये बस परिवर्तित हुआ है। तब भी मैं कला का ही सृजन कर रहा था, ड्राइंग कर रहा था या कुछ भी कर रहा था। उसके बाद फिर अंदर जब अपने आप को आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं, तो आपको लगता है कि ये साइड भी है आपके अंदर, आर्ट का एक फॉर्म और भी है। सो मैंने उससे करना शुरू कर दिया और उसमें ज़्यादा मज़ा आने लगा। सो फिर ये काइंड ऑफ इससे थोड़ा सा हाथ छूट गया है, पर यह है कि हाँ, ये भी चीज़ है, शायद मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ है ये, आर्टिस्ट बने रहना किसी भी तरीके से। कभी भी अभी भी टाइम मिलता है तो स्केच वगैरह कर ही लेता हूँ मैं। कंट्रीब्यूशन तो है इस चीज़ का मेरे उसमें। रवि गुप्ता कॉमेडियन के अलावा, कॉमेडी के अलावा और क्या क्या करते हैं और क्या क्या खासियत है रवि गुप्ता की? खासियत का तो मुझे नहीं पता, बस अच्छी मूवीज़ देखने का शौकीन हूँ, अच्छी फिल्में देख लेता हूँ, वेब सीरीज़ देखता रहता हूँ और अच्छी किताबें पढ़ने का शौक़ है, कुछ अच्छी चीज़ें समझ में आ जाए तो। हमें अपनी कुछ फेवरेट किताबों के बारे में बताइए, कुछ किताबों के नाम जो आपको पढ़ना बहुत पसंद हो। मैं काफ़ी टाइम से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, वक्त नहीं मिलता है, वक्त नहीं मिलता आलस की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं ज़्यादा वेब सीरीज़ वगैरह देखता रहता हूँ। सो किताबों में जैसे प्रेमचंद मैं बहुत पढ़ता था बचपन से ही, और मैं अभी भी प्रेमचंद, तो उनकी निर्मला है, कर्मभूमि है, गोदान है, ये सब तो पढ़ी ही है। और अभी एक धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता सबने पढ़ी होगी, वो भी बहुत अच्छी किताब है। और अभी नई वाली हिंदी चल रही है चलन में, सो उसमें बहुत अच्छे अच्छे राइटर हैं, बहुत लाइक बहुत मुझे बहुत मज़ा आ रहा है उन सबको पढ़ने में। जैसे सत्यव्यास हैं, उनकी दो किताब मैंने पढ़ी अभी, तो बनारस टॉकीज़ और एक दिल्ली दरबार, काफ़ी मुझे रिफ्रेशिंग और बहुत ही, तो बहुत अच्छा कल्चर डेवलप हुआ है। सो ये हैं, ये सब पढ़ी मैंने।